हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब? सब मजे में हो ना? आई एम स्टक ऑन द सेम डे फॉर 1000 ईयर का चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें वैंग के गुंडे लोग को दिखाया जाता है जो वी चैन का पीछा कर रहे होते हैं गाड़ी से, और वी चैन उन लोग के बॉस की गाड़ी लेके भाग रहा होता है, और वो गुंडे चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं वो हमारी बॉस की गाड़ी है, हमें कैसे भी करके उस गाड़ी को वापस लेना ही होगा। नेक्स्ट सीन में एक गुंडा अपने गाड़ी के खिड़की से बाहर निकल के वी चैन को गन दिखाते हुए बोल रहा होता है, अभी की अभी गाड़ी रोक वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उस आदमी को देख कर क्वीन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वी चैन को बोल रही होती है उस आदमी के पास तो गन है, अब हम लोग क्या करें। वी चैन क्वीन को बोलता है लगता है कि इस गेम में और भी मजा आने वाला है, तो जल्दी से अपनी शील्ड बेल्ट को कस के पकड़ के बैठ। नेक्स्ट सीन में वी चैन अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाना चालू कर देता है। गाड़ी को इतनी स्पीड में जाते हुए देख कर क्वीन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए बोल रही होती है क्या तू पागल है, इतनी तेज कोई गाड़ी चलाता है? फिर वी चैन क्वीन को बोलता है मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, अगर मैं स्लो चलाता तो वो लोग हम लोग को पकड़ लेते, उसके बाद वो हम लोग को कितनी बुरी तरीके से मारते तुझे भी पता है। तभी एक गुंडा अपने ड्राइवर को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है जल्दी से गाड़ी चला, वो हमारी बॉस की गाड़ी लेके भाग रहा है, हम लोग कैसे भी करके उसे पकड़ना होगा। तभी हमें एक मोबाइल को दिखाया जाता है जिसके अंदर किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा होता है, और उस फोन को एक लड़की उठाती है और बोलती है कौन है। नेक्स्ट सीन में हमें वी चैन को दिखाया जाता है, उस लड़की को वी चैन ने फोन किया होता है और वी चैन उस लड़की को बोल रहा होता है हेलो सीईओ ली, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आपके कंपनी में एक धोखेबाज छुपा हुआ है जो आपके साथ काम कर रहा है, और उस आदमी की वजह से आपने किसी से जो शर्त लगाई थी वो शर्त हारने वाली हो। तभी वो लड़की वी चैन को बोल रही होती आखिर तू है कौन और तुझे हमारे शर्त के बारे में कैसे पता चला। फिर वी चैन बोलता है मेरे पास खुद के बहुत सारे खबरी लोग हैं जो मुझे सारी बात बताते हैं, अगर तू चाहती है तो मैं तेरे भाई के बारे में भी बहुत कुछ बता सकता हूँ। जब वी चैन फोन पे बात कर रहा होता है तभी वैंग के गुंडे वी चैन की गाड़ी को ठोक देते हैं, और वी चैन उस लड़की को बोल रहा होता है आधे घंटे में तू अपनी कंपनी के बाहर किसी को भेज मुझे लेने के लिए, मैं तेरी कंपनी के बाहर बहुत ही जल्द आने वाला हूँ, तब हम लोग आमने सामने बैठ कर बात कर लेंगे। फिर वो लड़की बोलती है ठीक है, तब मुझे पता चलेगा आखिर तू है कौन। नेक्स्ट सीन में वी चैन की गाड़ी को वैंग के गुंडे ने दोनों तरफ से घेर लिया होता है, ये देख कर क्वीन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वी चैन को बोल रही होती है अब हम लोग क्या करें, उन लोगों ने तो हम लोग को दोनों तरफ से घेर लिया है। नेक्स्ट सीन में वी चैन अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा देता है और क्वीन को बोल रहा होता है तो चिंता मत कर मैं इधर हूँ ना, और तू देख मेरी खतरनाक ड्राइविंग स्किल कैसे मैं इन लोग से पीछा छुड़ाता हूँ। ये बात सुनकर क्वीन बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती है, और नेक्स्ट सीन में हमें वी चैन को दिखाया जाता है वो किस तरीके से गाड़ी को फुल स्पीड में उन दोनों के बीच से निकाल लिया होता है। वो देख कर वो गुंडे लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कितनी खतरनाक ड्राइविंग स्किल है, आखिर इसने सीखी कहाँ पे, और दूसरा गुंडा बोल रहा होता है क्या ये सही टाइम है उसकी तारीफ करने का। नेक्स्ट सीन में हमें वी चैन को दिखाया जाता है वो जो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में वहां से निकाल लिया होता है, और वैंग के गुंडे बहुत पीछे रह जाते हैं, और हमें क्वीन को दिखाया जाता है वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है कोई मुझे बचाओ। नेक्स्ट सीन में वी चैन गाड़ी रोक देता है और क्वीन को बोल रहा होता है हम लोग तेरे घर पे पहुंच गए अब तू उतर जा, और हमें क्वीन को दिखाया जाता है ऐसा लग रहा होता है क्वीन की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही है क्योंकि वो अभी मौत का सामना करके आई है। फिर क्वीन बाहर देखती है और वो अपने घर को देखती है और वी चैन को बोलती है आखिर तुझे पता कैसे चला कि मैं इधर ही रहती हूँ, और वी चैन उसके बाद सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी क्वीन मुंह मोड़ लेती है और वी चैन को बोल रही होती है छोड़ तुझसे पूछना ही बेकार है, मुझे पता है फिर से तू वही बकवास करना चालू कर देगा कि तू 1000 साल से एक ही दिन में फंसा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है वो बिचारी कांपते हुए गाड़ी से बाहर निकल रही होती है और वी चैन को बोल रही होती है तेरी ड्राइविंग स्किल उतनी भी बेकार नहीं है, आखिर तूने सीखा कहां से। फिर वी चैन क्वीन को बोलता है इस ड्राइविंग स्किल को सीखने के लिए मैंने अपनी जान लगा दी, इस ड्राइविंग स्किल के लिए न जाने मैंने कितनी बार अपनी जान भी दी है, और क्वीन को अपना मोबाइल दिखाते हुए बोल रहा होता है तुम मुझसे ड्राइविंग स्किल सीखने की कोशिश मत कर, तेरे पास एक ही जिंदगी है और मेरे पास बहुत सारी थी। तभी क्वीन शर्मा जाती है और वी चैन को बोलती है तो बहुत ही बड़ा झूठा है, ठीक है मैं तुझे अपना फोन नंबर दे देती हूँ, क्या पता मुझे अगर तेरी याद आ गई तो मैं तुझे फोन जरूर करूंगी। नेक्स्ट सीन में वी चैन वहां से जा रहा होता है और क्वीन को बोल रहा होता है मैं तुझे फोन जरूर करूंगा, क्वीन ये बात सुनकर शर्मा जाती है और बोल रही होती है मुझे इस पे कितना गुस्सा आ रहा है, इसने मुझे बेवकूफ बना के रात भी गुजार ली और यहां तक कि मुझे उसने अपना नंबर भी नहीं दिया और मेरा नंबर लेके चला गया। फिर क्वीन खड़े होकर सोच रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है कल जितना भी कुछ हुआ मुझे ऐसा लग रहा है बस इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरी दोस्त ने ही इसे बुलाया होगा ताकि ये मेरे साथ बातचीत कर सके, वरना इसे पता कैसे चलता कि मैं कहाँ रहती हूँ। फिर क्वीन पंच बना लेती है और अपने मन में बोल रही होती है मैं तेरे बारे में अपनी दोस्त से पता कर लूंगी, तू बस इंतजार कर गधे कहीं के, फिर तू मेरे चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें बहुत बड़े बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक लड़की लिपस्टिक की एडवर्टाइजिंग कर रही होती है और वी चैन बोल रहा होता है ली रुओ बिंग, उसने अपनी शुरुआत एक बिजनेस से की थी डोंग हाई सिटी के अंदर, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो बहुत ही खतरनाक लड़की है। नेक्स्ट सीन में हमें ली रुओ को दिखाया जाता है और एक लड़के को दिखाया जाता है और वी चैन बोल रहा होता है उसका एक भाई भी है जो अपनी बहन का नाम लेकर वो कुछ भी करता है, उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। तभी हमें उस लड़की और वी चैन को दिखाया जाता है और वी चैन बोल रहा होता है और तुम लोग सोच रहे हो मुझे ये सब कैसे पता, क्योंकि मैंने उस लड़की के साथ भी एक रात गुजारी है इसीलिए मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें वी चैन को दिखाया जाता है एक बॉडी गार्ड वी चैन को लेके आ गया होता है और वो बॉडी गार्ड बोल रहा होता है सीईओ ली मैं उस लड़के को लेके आ गया। फिर
चुनली अपने बॉडीगार्ड को बोलती है तू अब जा सकता है। नेक्स्ट सीन में वी चैन उस लड़की के पास जा रहा होता है और ली वी चैन के बारे में सब कुछ इकट्ठा करके बैठी हुई होती है और वी चैन को बोल रही होती है तेरा नाम वी चैन है, तू 22 साल का है, तूने अपनी ग्रेजुएशन अकाउंट कोर्स में किया है डोंग हाई यूनिवर्सिटी से, तेरे पापा का नाम व्यू डा हाई है, तेरी माँ का नाम जांग स्यू जून है और तेरे माँ बाप एक छोटा सा होटल चलाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो एकदम स्टाइल से बैठी हुई होती है और वी चैन को बोल रही होती है और तेरी एक छोटी बहन है जो हाई स्कूल में पढ़ती है उसका नाम यू शिव है। फिर वी चैन रियू को बोलता है जैसा मैंने सोचा था तू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तू आधे घंटे में एक फोन कॉल से मेरी सारी जन्म कुंडली निकाल ली। तभी ली रियू वो सारे पेपर को फाड़ते हुए वी चैन को बोल रही होती है तेरे बारे में जितनी भी चीज मुझे पता चली उसे देख के लगता है कि तू एक मामूली इंसान है, लेकिन किसी मामूली इंसान को मेरे और मेरे भाई के बीच में जो शर्त हुई है उसके बारे में पता नहीं चल सकता, आखिर तुझे पता कैसे चला। फिर रियू वी चैन को बोलती है आखिर तू है कौन जल्दी बोल। फिर वी चैन रियू को देखकर बोल रहा होता है तू मुझे बस ये समझ के मैं इन्फॉर्मेशन बेचता हूँ। फिर वी चैन रियू के पास आकर बोल रहा होता है और मुझे तेरे बारे में बहुत सारी चीजें पता है जो तुझे परेशान कर रही है, जैसे कि तेरे कंपनी में आखिर कौन है जो धोखेबाज है, अगर तू मुझे 10 मिलियन देगी तो मैं अब भी बता दूंगा उस धोखेबाज का नाम क्या है। तभी रियू ड्रॉवर खोलते हुए वी चैन को बोल रही होती है एक अनजान आदमी अचानक से मेरे ऑफिस में आके मुझे बोल रहा है कि मेरे कंपनी में धोखेबाज कौन है, ऊपर से तुम उसे 10 मिलियन भी मांग रहा है। तभी रियू वी चैन के सर पे बंदूक रख देती है और बोल रही होती है तुझे क्या लगता है क्या मैं तेरी बात इतनी आसानी से मान लूंगी, और बोल रही होती है तुझसे वापस से पूछ रही हूँ आखिर तू कौन है, अगर तू मुझे सही से नहीं बताया तू ये मत सोचना कि तू ऐसे जिंदा जा पाएगा। तभी वी चैन रियू को बोलता है मुझे पता है कि तू मुझे जान से मार देगी। नेक्स्ट सीन में वी चैन बंदूक की गोली निकाल के फेंक रहा होता है और बोल रहा होता है लेकिन बिना गोली के तू मुझे मारेगी कैसे, और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। हमें अगले चैप्टर में मालूम चलेगा कि वी चैन आखिर किस धोखेबाज की बात कर रहा है और क्या ली रियू वी चैन की बात पे भरोसा करती है।